एक जरूरी सूचना भाई, कल 15 तारीख को हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ना एक नोटिस जारी किया है कि जो उसने 2019 के अंदर एक भर्ती निकाली थी उसका उसने क्या किया कि वो भर्ती को वापस ले लिया उसने, लेकिन अब दोबारा से 400 पोस्ट निकाली गई है मेल के लिए और 65 पोस्ट निकाली गई है फीमेल के लिए, ठीक है। और लेकिन इस बात को सुनते हैं ना बहुत सारे मेरे भाई है जिनके एक परेशानी होगी कि उन्होंने जो पहले अप्लाई किया था अब उनका ऐसे मंजस है कि उनका क्या होगा। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ भाइयों, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अपन, ये देखो स्पेशल इन्होंने मेंशन किया है, स्पेशल मेंशन किया है इन्होंने कि जिस जिसने 6/2019 कैटेगरी नंबर 3 के अंदर अप्लाई किया था वो क्या करना है उनको, उन भाइयों को दोबारा से उन भाइयों को अप्लाई करना है, लेकिन उनकी जो फीस है ना वो पहले वाली ही चल जाएगी। तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उनको एक बार के लिए एज के अंदर रिलैक्सेशन दिया गया है, एज और कैटेगरी के अंदर उसको रिलैक्सेशन दिया गया है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टेंशन ना लो और दोबारा से फॉर्म को फिल करो। धन्यवाद भाइयों।